नारी सशक्तिकरण अभियान के चलते आज ब्लॉक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया गया, जिसके चलते नजीबाबाद, सिहारा और जलीलपुर ब्लॉक के डबाकरा हॉल में बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान महिलाओं को उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जलीलपुर में प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षिकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशाओं को महिला सशक्तिकरण अभियान की जानकारी दी गई। साथ ही इस अभियान के तहत 9 महिलाओं की टीमों का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। ये टीमें घर घर जाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपनी सुरक्षा स्वयं करने के उपायों और शिक्षा रोजगार की जानकारी देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जो सरकार ने चलाए नारी सशक्त, ये तो ज्यादातर सभी महिलाओं को पता है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है, आंगनबाड़ी है, टीचर्स है, सभी को ज्यादातर पता है। और अपने अपने गाँव में सभी को मतलब इस बारे में बताना है। ज्यादातर महिलाएं अनपढ़ थी और जितनी भी बच्चियां पैदा होती थी ज्यादा रिवाज नहीं था पढ़ाई लिखाई का। और सबसे पहले मैं अपने गाँव में शादी होके गई थी तो सबसे पहले पढ़ी लिखी बहू मैं ही थी अपने गाँव की। जनसंपर्क कैसे आयोजित करें? ब्लॉक में 10 नारी सशक्तिकरण संयोजकों को 2 सूचियां मिलेंगी। इस शिविर 9 से 19 से संबंधित आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुछ विषयों पर कार्यशाला यानी महिला लाभार्थियों के विषय में जानकारी होगी। इनमें महिला लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत स्तर की होगी। मध्यस्थ के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जिससे कि उसके जो है शोषण कहीं हो, तो उसको जो है सरकार ने मदद दी है कि आप जो है अपना समूह बनाइए, अपने समूह को जो है सही संचालित करिए। उसके लिए जो है बैंक से हम लोग जो है CCL भी दिलवाते हैं, लोन दिलवाते हैं। इन धनराशि के अलावा उसको जो है 1 साल होने के बाद जो 1 लाख रुपया उसको CCL का दिलवाते हैं, जब दूसरा साल हो जाता तो उसको 2 लाख रुपये दिलवाते हैं, और तीसरा साल जब हो जाए तो 2 लाख और तो 5 लाख रुपए उसको जो है इन महिलाओं के समूह को जो हम लोग दिलवाते हैं, जिससे कि ये अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। जाएगी सूची का लाभार्थी का नाम होगा, ये उसमें क्या चीज नोट करेंगे बता रहा हूँ। सूची में लाभार्थी का नाम होगा, उसके आपको हस्ताक्षर कराने हैं, उससे पूछना है कि आपको जो ये सुविधा सरकार की तरफ से मिली है उज्ज्वला गैस योजना के तहत, अगर आप किसी महिला को सिलेंडर और जो है सुविधा मिला है, तो उससे पूछना है कि आपको क्या इससे कोई लाभ है।